आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चॉकलेट बहुत ही आसानी से घर पर। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। हमें थोड़े से आलूस को ड्राई रोस्ट करना है। धीमी आंच पर चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा करेंगे। थोड़े से वॉलनट्स और कैशियस को भी रोस्ट कर लेंगे। अब मैंने दो टाइप के चॉकलेट लिए हैं, 200 ग्राम डार्क कंपाउंड एंड मिल्क कंपाउंड। तो इन्हें छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। छोटे टुकड़ों में चॉप करने से आसानी से पिघल जाएगी। इन्हें एक बॉल में डाल लेंगे और इन्हें माइक्रोवेव करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। इस तरह से मिल्क चॉकलेट को भी चॉप कर लिया है। आलमंड्स जो रोस्ट करके रखे थे उन्हें भी चॉप कर लेंगे। ये 30 सेकंड्स के बाद मेल्ट होनी शुरू हो गई है। इसे मिक्स करेंगे और फिर 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो रही है और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई। इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम मिल्क चॉकलेट को भी ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे चॉकलेट की हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेल्ट हो रहे हैं तो 30 सेकंड्स करके आप बार बार कर सकते हैं, जब तक कि आपको शाइनी चॉकलेट नज़र नहीं आती। और ये देखिए बिल्कुल शाइनी हो गई है और अच्छे से मेल्ट हो गई। अब हम मोल्ड लेंगे। मैंने हार्ट शेप मोल्ड लिया है। इसे हम एक चम्मच मिल्क चॉकलेट से भर देंगे और उसके ऊपर रोस्टेड नट्स लगा देंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। कैशूज डाला मैंने और ये आलमंड्स है। कुछ रेजन्स डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के नट्स एंड फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये इस तरह के एक मोल्ड्स होते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट भर दूँगी। और इसे दो बार टैप करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। अब बाकी बचे हुए चॉकलेट में हम आलमंड्स जो कट करके रखा था वो डाल देंगे और दूसरे मोल्ड में फिल कर देंगे चम्मच से। थोड़ा थोड़ा डालना है। डालने के बाद टैप करेंगे कि एयर बबल्स निकल जाएं। एक बटर पेपर में हम चॉकलेट बनाएंगे। इसमें और नट्स डाला मैंने, रेजिन्स भी डाला है। मिक्स करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक चम्मच डाल देंगे। डिस्टेंस रखेंगे कि वो चिपके नहीं एक दूसरे से। बस ऐसे डालते जाना है। आप इसमें कोई भी नट्स डाल सकते हैं, चाहे तो पूरा आलमंड्स बिना कटे हुए डाल सकते हैं। अब ये फ्रिज में सेट हो गया है। इसे मोल्ड करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हार्ट बना है, बहुत ही प्यारा है। ये मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के साथ बनाया है। ये बिना नट्स के चॉकलेट है, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। और ये आलमंड नट वाला चॉकलेट है, तो इसे भी निकाल लेंगे। अब ये क्लस्टर चॉकलेट जो बिना मोल्ड के बनाया था वो भी तैयार है। तो हमारे चॉकलेट्स, ये मैंने काटा है इसे और देखिए बीच में नट्स आ रहे हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये हमारा चॉकलेट प्लेटर रेडी हो गया। अब इसे हम रैपर में रैप कर सकते हैं। ये रैपर बाज़ार में मिलते हैं, आप इन्हें रैप कर लें। गिफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। घर पर चॉकलेट्स बनाएं और अपने प्यारों को गिफ्ट करें। इस तरह के रैपर भी आते हैं। इसे तार की सहायता से फोल्ड कर लेंगे और आपके चॉकलेट्स रेडी हैं। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ।